हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना। तृप्ति की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सूरन की चटनी। इसे ज़्यादातर दीपावली में बनाया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं किचन में और बनाते हैं इस चटपटी सी चटनी को। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं सूरन। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो इसको काटने से पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा सरसों का ऑयल यानी कि मस्टर्ड ऑयल आप लगा लें, जिससे कि जब आप इसे कट करेंगे तो आपके हाथों में किसी भी तरीके की कोई इचिंग ना आए। ठीक है, इससे पहले जब हम इसको कट करेंगे तो ये जितना भी इसका ब्लैक वाला पार्ट होता है ये सब हम हटा देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, देन उसके बाद हम इसका बाकी का आगे का काम करेंगे। तो उसके बाद ही हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो क्योंकि ये जो होता है, ये पार्ट हटाते हैं, उसके बाद हम अगर इसको डायरेक्ट कट करते हैं तो हो सकता है आपके हाथों में थोड़ा सा खुजली वगैरह स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑयल हाथों में, मस्टर्ड ऑयल लगा करके तब आप इसे कट करें, या फिर आप इसको जो है हाथों में ग्लव्स पहन लें या फिर जो पॉलीथीन वगैरह होती उसे पहन करके आप इसे कट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसका ऊपरी पार्ट निकाल रहे हैं, इसलिए हम हाथों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा रहे हैं। और जब हम इसका अंदर का, ये ऊपर का जो पार्ट है, अभी हम इसे काट रहे हैं, तो अभी हमने हाथों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि सबके हाथों में ये प्रॉब्लम आए, ये एक मैंने आपको सजेस्ट किया है कि ऐसा मतलब होता है। कई लोग कहते हैं कि इसको काटने के बाद हाथों में थोड़ा बहुत खुजली सी आती है, तो आप पूरी कोशिश करें कि हाथों में ऑयल लगा करके आप इसे कट करें। तो फ्रेंड्स, इसकी चटनी भी बनाई जाती है, इसकी सब्जी भी बहुत लोग बनाते हैं। तो ये फिलहाल मैं ऊपर का पार्ट हटा रही हूँ, उसके बाद हाथों में लगाऊंगी ऑयल। इस तरीके से हाथों में ऑयल लगा लें और अब हम इसको कट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा अच्छे से कट भी जाएगा और आपको किसी भी तरीके की खुजली महसूस नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तकरीबन 2 से 3 पानी लेकर के इसे वॉश किया है। और आप इसे किसी भी टुकड़ों में काट सकते हैं, क्योंकि आपको इसको बनानी है चटनी, तो आप किसी भी टुकड़े में इसको कट कर सकते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको कुकर में डाल के तकरीबन 1 से 2 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए हम ये प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें कुकर में पानी डाल देना है इस तरीके से, और उतना ही पानी डालना है जितना कि हमारा सूरन इसके अंदर डिप हो जाए यानी कि डूब जाए। इससे ज़्यादा ओवर करेंगे ना तो वो दिक्कत देगा, पानी सारा कुकर से बाहर आ जाएगा। तो बस इतना डालिए जितना कि आपका सूरन इसमें डूब जाए। अब इसमें हम 2 विसल लगा लेते हैं और फिर कुकर खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये बॉयल हो चुका है अच्छे से, और अब हम इसे एक बार 1 या 2 पीस उठा के देखेंगे और इसे मैश करके देखेंगे। अगर ये हल्का सा सॉफ्ट, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, और इस तरीके से ये देखिए मैं चम्मच से प्रेस कर रही हूँ तो ये मैश हो रहा है, मतलब ये कुक हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। इस तरीके से मैंने बाउल में निकाल लिया और अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो मैशर की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर आप स्पून से भी मैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्योंकि चटनी बना रहे हैं इसलिए हम इसे मैश कर रहे हैं, इसका अचार भी बनता है दोस्तों। अब हम ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ये तीनों का हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसे दरदरा भी पीस सकते हैं या फिर आप इसका मिक्सर जार में पेस्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये लहसुन हमने तकरीबन 1 कप के बराबर लिया हुआ है, 1 कप ये हमने अदरक के टुकड़े को इस तरीके से काट लिया है, और ये हमारी हरी मिर्च है तो ये मैंने 1.5 कप के बराबर ली है। तो चलिए, अब क्योंकि सूरन की चटनी बना रहे हैं तो वो थोड़ी सी स्पाइसी बनती है और मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ,
तो इसे हम पीस लेते हैं। आप चाहें तो एक संग पीस लें या फिर अलग अलग पीस लें। अब हम मिक्सर जार में सबसे पहले हम गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना बनाया है यानी कि मार्केट वाला है तो आप डाल सकते हैं, बट होममेड बना करके डालने से क्या होता है उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मैं सब चीज़ घर पे बना के तैयार करती हूँ। तो ये देखिए मैंने गार्लिक का पेस्ट इस तरीके से रेडी कर लिया है, मतलब इसे या तो आप चॉप कर लें या फिर इस तरीके से बिना पानी डाले ऐसा पेस्ट रेडी कर लें। अब हम इसे कर देते हैं साइड में, यानी कि गार्लिक पेस्ट इस तरीके से प्लेट में या किसी भी बाउल में आप निकाल लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक, ठीक है। तो ये देखिए गार्लिक का हमारा बढ़िया सा पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। और अब हम डालेंगे अदरक, क्योंकि गार्लिक यानी कि लहसुन में भी अपना एक थोड़ा सा एक पानी होता है, इसी तरीके से हमारी जिंजर यानी कि अदरक में भी थोड़ा सा पानी होता है और हमारी हरी मिर्च में भी पानी होता है। तो इसे हम बिना पानी डाले देखिए मैश कर रहे हैं, इस तरीके से ग्राइंड कर लिया मैंने। और ये देखिए ये भी पेस्ट हमारा बन करके रेडी हो गया है। आपको जो सुविधा अच्छी लगे आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बना बनाया जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस तरीके से करने से जो सूरन की चटनी होती है वो दो गुना टेस्ट बढ़ा देती है। तो या तो आप उसे दरदरा पीस लें और या फिर आप है ना इस तरीके से पेस्ट हल्का से रेडी कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च में भी मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी, बस इसमें भी हम बिना पानी डाले इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो कई लोग है ना इस तरीके से पेस्ट बना करके भी रखते हैं घर पे, वो आपके ऊपर है, आपको जो सुविधा अच्छी लगे। तो ये देखिए दोस्तों ये भी हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हरी मिर्च का पेस्ट रेडी हो गया है, तो इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। और सच बताएं दोस्तों हमारे यहाँ दीपावली में इस चटनी को ज़रूर खाया जाता है। मेरी सासू माँ कहती हैं कि दीपावली के दिन या तो चटनी या सब्जी ज़रूर बना के खानी चाहिए, क्योंकि जैसे इसका नाम है ना यम, तो कहते हैं कि यमदूत आके मरते टाइम आपको लेके नहीं जाते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और अब हमने इस तरीके से पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। देखिए कई लोग पका के नहीं बनाते हैं चटनी, डायरेक्ट कच्चा कच्चा बना के डाल देते हैं, बट है ना उसमें वो टेस्ट तो आता है बट उतना अच्छा नहीं लगता है। और इस तरीके से आप पका के जब कोई चीज़ करते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल डाला हुआ है और अब मैंने इसमें डाल दिया है ये जीरा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, इसे हल्का सा क्रश कर दिया है मैंने और इस तरीके से डाल दिया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कच्चा तेल ही डालते हैं, बट मुझे थोड़ा सा सरसों के तेल की स्मेल कम पसंद है। और अब मैं डाल रही हूँ भर करके हींग, क्योंकि ये थोड़ा सा चटनी में हींग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। पहले ये देखिए ये अदरक का पेस्ट पहले मैंने डाल दिया है, इसको हम पहले मिक्स करेंगे इसी चटनी में इस तरीके से मसाले में, ये देखिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। आप तीनों इकट्ठे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन सबको क्योंकि अच्छे से हमें पहले भून लेना है। तो ये मैंने लहसुन का डाल दिया और इसे भी मिक्स कर देंगे, ये देखिए। और अगर आपको तेल कम लगे तो थोड़ा सा तेल की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये तेल में कुक होगी। आप इसे अचार का रूप भी दे सकते हैं, आप इसे चटनी भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं, टू इन वन काम करेगी। और ये देखिए मैंने डाल दिया हरी मिर्च का पेस्ट, अब इसे भी हम मिक्स कर रहे हैं। और देखिए तेल काफ़ी हद तक सूख गया, यानी कि जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च है इन्होंने पूरा तेल पी लिया इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे इस स्टेज पे, थोड़ा सा ऑयल हम और डालेंगे, यानी कि तकरीबन दो बड़े चम्मच हम सरसों का तेल और ऐड कर देंगे। तो चलिए हम ऐड कर देते हैं, ये देखिए मैंने सरसों का तेल और ऐड कर दिया है। अब आंच को मैंने और ज़्यादा हाई फ्लेम कर दिया है जिससे कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये देखिए दो बड़े चम्मच मैंने भर करके तेल डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से
कुक करेंगे। तो ये तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसे मिक्स करना है और आप देख सकते हैं ये हमारे पैन में लगना स्टार्ट हो गया, इसलिए इसको कंटिन्यूसली चलाते रहिए इस तरीके से ताकि ये पैन में बिल्कुल भी ना लगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपना मैश किया हुआ सूरन। तो ये देखिए ये सूरन जो अभी मैंने मैश किया था ताज़ा, इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी हम मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से सूरन को इसके अंदर मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स एक बार मेरे कहने पे सूरन की चटनी ज़रूर बना के देखिएगा और मैं आपको गारंटी कह रही हूँ आप हमेशा इसे बनाना पसंद करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती। बस अंतर क्या होता है कि जितना आपने सूरन लिया है ना उतना ही क्वांटिटी में आप अगर आप सारा सामान डालेंगे तो आपका चटनी बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखिए मैंने डाल दिया है नमक, नमक आप अपनी इच्छा अनुसार डालेंगे, मैंने 2 चम्मच के बराबर नमक डाला है। और ये मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ये चटनी बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है और तभी पसंद आती है लोगों को। तो ये मैंने आप देख सकते हैं 2 चम्मच के बराबर मैंने लाल मिर्च भी डाल दिया और मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और अब हम इन सबको ना पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मैंने डाला है ये खटाई। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें दोनों चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। नींबू का रस ऐड करने से क्या होता है कि आपकी जो सूरन में हल्का सा भी जो इचिंग वाला प्रॉब्लम होता है, जैसे कई लोग कहते हैं कि सूरन की चटनी खाई या कुछ तो गले में करकरा सी रही है, तो वो करकराहट ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि खटाई डलने से इसका टेस्ट जो होता है वो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे सिर्फ 10 मिनट और पकाएंगे, कुक करेंगे, उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। फ्रेंड्स इसे आप दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, कहीं आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो इस चटनी को आराम से कैरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2-in-1 काम करती है, मतलब आप इसे सूरन का छुंदा भी कह सकते हैं, एक होता है ना ग्रेट किया हुआ अचार कहते हैं जिसे, आप वो भी कह सकते हैं। तो इसे आप अचार का नाम भी दे सकते हैं और चटनी का नाम भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो यमदूत आपको कहीं ले ना जाए। तो चलिए फिर निकाल लेते इसे बाउल में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी सूरन की बढ़िया सी मज़ेदार चटनी बनकर के रेडी हो गई है। और अगर आपको हमारी बनाई हुई इस तरीके की चटनी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को कर लीजिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक कमेंट और शेयर, हमें आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है दोस्तों। और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।